का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे जब के बारे में कुछ दिनों पहले बताया तो सचमुच मुझे ये पहल बहुत अच्छी लगी। पहला कारण तो ये कि जो लिखता है, मैं भी कभी कभी लिखता हूँ, तो मन में कहीं ना कहीं एक कीड़ा भरा रहता है कि जब तक मैं उसे सुनाऊँ ना बार बार और लोग मेरी प्रशंसा ना करें तो मुझे चैन नहीं पड़ती। और मेरी कविता सुनाने की जो एक बहुत लालसा है सभी मेरी, मतलब सब कवियों की, ज़्यादातर तब हम दूसरे कवियों की बात बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, और अगर कोई समकालीन कवि हो, हमारे साथ का कवि हो, तो हम बिल्कुल नहीं बोलते। और खासकर मंच के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें तो हम दूसरे की कविता पर अगर ताली बजती है तो बहुत ही मरे मन से ताली बजाते हैं। तो ऐसी हालत में आप जिन कवियों को, जिन कविताओं को, जिन रचनाओं को, जिन गज़लों को, जिन शेरों को लोग या तो भूल रहे हैं, भूल चुके हैं या भूल जाएंगे, या सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रहेंगी जो उस कवि को, उस मुद्दे को, उस विचार को, उस भावना को खुद भी जीते, सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहेगा। तो इससे अलग हटके जहां आप लोग दूसरों की रचनाओं का पठन पाठन करते हैं, वहां एक बहुत बड़ी आप साहित्य की सेवा करते हैं, उर्दू साहित्य की भी, हिंदी साहित्य, और भी भाषाओं में होता हो तो और भी अच्छी बात है। हमारी पुरानी खाति, हमारी कविताओं को, हमारी गजलों को, गीतों को आप लोग पुनर्स्थापित कर रहे हैं, इससे पूरी पीढ़ी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और किस तरह ये ऐसे लोगों तक पहुंचे, जैसे कहते हैं ना कि आप जो बैप्टाइज हो चुका है उसके लिए ईसा मसीह की बात सुनाने का ज़्यादा फायदा नहीं, थोड़ा फायदा हो सकता है कि संडे मास में लोग इकट्ठे हो जाएं और फिर वही बाइबल सुने, लेकिन कैसे मुद्दे आप तलाशें, कैसे कवियों को तलाशें, कैसे लोगों के बीच में जाएं कि जो खुद साहित्य के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं वो लोग भी इससे जुड़ सकें। और यही कारण है कि आज जब बचपन से संबंधित बातचीत आप लोग करेंगे, तो मैंने दो तीन अपने बच्चों को कहा, आज आश्रम में थे हम लोग, और हमारे ऑफिस के लोगों से भी कहा कि आप लोग जो सामान्य तौर पर कविताओं का पठन पाठन नहीं करते हैं, आप चलें और सुनें तो वो बात फैलेगी और लोगों तक भी पहुँचाएंगे। पहली बात, मैं ये मानता हूँ कि बचपन कोई उम्र नहीं, और ये बात मैं बार 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 दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों तक कहता हूँ, पहुँचाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च अधिकारियों से लगाकर बहुत सारे प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों से हम लोग मिलते हैं, जिस देश में भी जाते हैं एक आम बातचीत हो गई, परिपाटी सी हो गई, उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होती है, तो वहाँ भी मैं घुमा फिरा के ये बात कहता रहूँ उन कार्यक्रमों में जिनमें ऐसे लोग आते हैं, कहता कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, अगर आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हैं, बहुत दौलतमंद हैं और बहुत प्रभाव रखते हैं समाज में, धर्मगुरु, तो ये जो सब कुछ होते हुए भी अगर आपके अंदर एक सीखने की प्रवृत्ति अगर कहीं बाकी है अभी, इस सबके बावजूद भी कहीं आप अभी भी दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, आपस के मनमुटाव को बिना देर किए भुला सकते हैं, ये साहस आपके अगर अंदर अभी भी बाकी है, अगर आप अभी भी सरलता
जीवन की सरलता, जीवन जीने की सरलता, लेकिन मस्तिष्क के अंदर भी सरलता अपना कर रख सकते हैं, तो इसलिए नहीं कि आप इतने विद्वान और इतने शक्ति संपन्न हैं। अगर वो गुण आप में बाकी है, पारदर्शिता और सरलता बाकी है, तो वो इसलिए है क्योंकि अभी आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा जिंदा है, एक बचपन आपके अंदर अभी बाकी है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों से भी मनमुटाव रखेंगे और भूलेंगे नहीं उसे, अगर आप बहुत चतुराई से सिर्फ अपना लाभ देखेंगे, इतने अहंकार में जिएंगे आप कि सीखना ही बंद कर देंगे जीवन में, तो समझिए कि आपने बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने अंदर के बच्चे को मार डाला है। अपने अंदर बच्चे को जीने का मतलब है अपने अंदर सरलता को जीना, सादगी को जीना, सीखने की प्रवृत्ति को जीना, क्षमा कर देने को जीना। जो बचपन का गुण है, तो कैसे उन कविताओं का सृजन हो जो समाज के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ग को मजबूती दे सके। और उस मजबूती की बात इसलिए कि आज दुनिया भर में बच्चे जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इतिहास में पहले कभी नहीं। मैंने जो कविताएं लिखी हैं, क्रोध से कविताएं भी पैदा होती हैं। जब क्रोध, मैं हमेशा क्रोध का पक्षधर रहा हूं, गुस्से, आवेश, लेकिन ये गुस्सा और आवेश अगर अपने अहंकार से प्रेरित है, अपने स्वार्थ से प्रेरित है, अपमान के परिणाम स्वरूप रिएक्शन में वो हो रहा है, तो वो विध्वंसकारी गुस्सा होता है, वो नुकसानदेह गुस्सा होता है, वो घृणा पैदा करने वाला क्रोध होता है। लेकिन अगर वही क्रोध अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बुराई के खिलाफ पैदा होता है, तो समाज में परिवर्तन, सारी दुनिया में क्रांतियां करुणा और क्रोध से हुई है, सारी दुनिया के धर्म करुणा और क्रोध से बने। मैं आपको फिर से बहुत 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 साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। भले ही मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है ज़्यादातर लोगों से, लेकिन ये पहली मुलाकात ना रहे, आप ये जो फाउंडेशन हमारा बना है, जो भी हृदय में कहीं ना कहीं करुणा रखता है, देश को बेहतर, समाज को बेहतर बनाना चाहता है, उसका एक घर है। आप चाहे जब कार्यक्रम यहाँ कर सकते हैं। हमारे कवि कबीरदास ने एक बात कही जो मैं भारत माता के लिए कह रहा हूँ, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है और। तो मेरा भाई भी कुछ, जो कुछ भी है इसी धरती का है, इन्हीं लोगों का है, आप सबका है, इसलिए आप सबके साथ वही रिश्ता बनाते हुए भाई की तरह, बहन की तरह आप इस यात्रा के सहभागी बने। बहुत धन्यवाद दादा, मत लिया आपका, मान लीजिएगा।